नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मन पसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं। मक्का तो हम हर वर्ष लगाते हैं, परंतु मक्का की फसल से 35 से 40 क्विंटल अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी मक्का की फसल से 60 क्विंटल प्रति एकड़ गारंटी के साथ उत्पादन ले सकते हैं। परंतु आपको अपनी मक्का की फसल की देखभाल जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको करनी पड़ेगी और समय से करनी पड़ेगी। यदि आप इस तरीके से अपने मक्का की फसल की देखभाल करते हैं, जो खाद मैं आपको बताऊंगा ये खाद आप डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, आप अपनी मक्का की फसल से 60 क्विंटल से 65 क्विंटल 70 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको मक्का की फसल में कौन सी खाद कब लगानी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, मक्का की बुवाई करते समय कौन सी खाद डालनी चाहिए और एक एकड़ में आपको कितने मक्का के पौधे लगाने चाहिए, अर्थात एक एकड़ में हमें कितने बीज डालने चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाइयों, हम प्रतिवर्ष मक्का की खेती करते हैं और मक्का की फसल से लगभग 30 से 35 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। परंतु आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उस प्रकार से आप मक्का की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जब आप मक्का की फसल की बुवाई करें, यदि आपके पास उपलब्ध हो या कहीं से मिल सके, तो उसमें आप गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि मक्का की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको बता देती है कि आपकी जमीन में कितनी ताकत है। परंतु यदि कहीं जमीन कमजोर है हमारी, तो मक्का की फसल तुरंत बता देगी कि यहाँ पर जमीन कमजोर है। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें कि बुवाई करते समय मक्का की फसल में गोबर की खाद जरूर डालें। दूसरा किसान भाई, जब आप मक्का की फसल की बुवाई करें, तो उस समय आपको एक एकड़ में लगभग 40 से 41 हजार बीजों की बुवाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि हम इन पौधों की बुवाई करने की बात करें, तो आपको 8 इंच जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए और जो आपकी 18 इंच बैट से बैट की दूरी होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आपके एक एकड़ में लगभग 40 से 42 हजार पौधे आ जाएंगे। अब किसान भाइयों, हम इन 40 हजार पौधों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक एकड़ में 40 हजार पौधे लगाए, तो प्रत्येक पौधे में भुट्टा आएगा, प्रत्येक भुट्टे में लगभग 150 ग्राम वजन आवश्यक निकलेगा, जो उसका दाना है वो 150 ग्राम से कम नहीं निकलेगा। यदि हम अधिकतम दाने की बात करें तो 200 ग्राम तक दाना निकल आता है। तो हमने 150 ग्राम लगाया, हमने इसकी कैलकुलेशन करी, तो हमारा जो वजन हो गया वो 6000 किलो हो गया। तो 6000 किलो के हम क्विंटल बना लेते हैं, तो ये 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बैठ जाता है किसान भाई। अब इसके लिए हमें क्या क्या नियम अपनाने हैं, कौन कौन सी खादें डालनी है, ये बहुत जरूरी है। इतनी पैदावार के लिए हमें कौन कौन सी खादों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब पौधे खेत के अंदर भरपूर मात्रा में होंगे तो पोषक तत्वों की कमी भी उतनी ही पड़ेगी किसान भाई। तो हम पहली खाद के रूप में बात कर लेते हैं, यदि आपकी मक्का की फसल में सूंडी वगैरह है तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपको खाद के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा। तो आपको जो पहली खाद लगानी है वो पहली सिंचाई के समय लगानी है और पहली सिंचाई से एक दिन पहले लगानी है। तो आपको जो खाद लेनी है किसान भाई, ये लेनी है आपको 50 किलोग्राम तो आपको लेना है यूरिया, ये प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके साथ में आपको 5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट आती है, जिसके अंदर सल्फर और जिंक आती है 33% वाली, ये आपको 5 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा इसमें किसान भाई आपको ऐड करना है, ये करना है सोयल एप्लीकेशन, जो कैल्शियम आते हैं जैसे अमराधारक नाम से कैल्शियम आता है, ये आपको ऐड करना। इन तीनों खादों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने पौधों पर डाल दें, और पौधों पर डालने के बाद में आप इस पर मिट्टी लगा दें। मिट्टी लगाने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, एक तो पौधे गिरते नहीं है, उधर पानी का भी मेंटेन बना रहता है, पानी कहीं ज्यादा नहीं भरता है, पौधे मरते नहीं है। तो आप इस पर मिट्टी जरूर लगा, ये आपका पहला खाद होगा। अब दूसरी खाद जो आपको देनी है, तो जो आपने पहली खाद दी है इससे एक पानी तो आपको बिना खाद के देना है, यानी दूसरा जो आप पानी लगाएं उस पर आप खाद न डालें, आप उसे सादा पानी लगा दें। अब हमें तीसरे पानी पर दूसरी खाद देनी है। जब हम तीसरे पानी पर दूसरी खाद देंगे तो हमें जो खाद लेनी है ये आपको 70 किलोग्राम लेना है यूरिया प्रति एकड़ के साथ। इसके साथ में आपको ऐड करना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, जो ब्लैक कलर का आता है पाउडर के रूप में। इन दोनों को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी मक्का की फसल में फेंक दें या अपने पौधों पर डाल दें, और उसके बाद आप उसकी सिंचाई कर देंगे किसान भाई। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मक्का की फसल है उसके जो पौधे हैं वो एकदम मिक्सार रहेंगे, समान मात्रा में रहेंगे, अब पौधे मोटे रहेंगे। अब किसान भाई हमें उसमें तीसरी खाद डालनी है। तीसरी खाद हमें जब डालनी है जब मक्का के अंदर भुट्टा आने की अवस्था हो,
अर्थात भुट्टाना शुरू हो जाए। तो इसके लिए समय आपको जो लेना है ये आपको 70 किलोग्राम लेना है यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में आपको ऐड करनी है 30 किलोग्राम पोटास, जो लाल वाली आती है यूपीएल वगैरह की ले सकते हैं आप, जो अच्छी वाली पोटास आती है, ये आपको 30 किलोग्राम मिक्स करनी है इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद में आप अपने पौधों पर डाल दें या आप नाली में डाल दें अच्छे तरीके से, और उसकी सिंचाई कर दें। ये जो आप तीसरी खाद लगा रहे हैं किसान भाई, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, एक पहली खाद और एक तीसरी खाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पहली खाद जो हम लगाते हैं ये मक्का की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधों को मोटा करती है और मक्का में एकदम हरापन लाती है। तीसरी खाद जब हम लगाते हैं तो हमारी मक्का की फसल में भुट्टा आने की अवस्था होती है, तो दानों का भराव, भुट्टे का बनना, भुट्टे की लंबाई चौड़ाई का निर्धारित करना, ये सभी तीसरी खाद पर निर्भर होता है। और जब हम इसके अंदर पोटाश डालेंगे तो हमारे भुट्टे में दाने मोटे आएंगे, लंबे आएंगे और भुट्टा भी लंबा आएगा, और दाने भरपूर मात्रा में भरेंगे पूरे भुट्टे में, दाना भुट्टा जो खाली नहीं रहेगा किसान भाई। तो आप इस प्रकार से अपनी मक्का की फसल में खाद का शेड्यूल बना सकते हैं, खाद डाल सकते हैं। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से खाद लगाते हैं अपनी मक्का की फसल में, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ 101% आप अपनी मक्का की फसल से 60 क्विंटल से 65 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप पर नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की फसल आपकी उसका फोटो डाल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।